नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीए राजेंद्र अरोड़ा, जीएसटी की राह में आपका दोस्त, और आशा करता हूं कि जीएसटी की राह में आप आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, अक्सर हम ये देखते हैं कि हमसे टैक्स सिलेक्शन में, टाइप ऑफ टैक्स सिलेक्शन में गलतियां हो रही हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक डिस्कशन आप लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ करना चाहिए। आज हम बात करेंगे उस स्थिति की जब टैक्स रॉन्गफुली पे हुआ, और इसमें हमारे पास दो सेक्शंस हैं जो हमें गवर्न करते हैं दोस्तों, जो हमारे लिए गाइडिंग फोर्स हैं, और वो है सेक्शन 77 और सेक्शन 19। सेक्शन 77 सीजीएसटी एक्ट का और सेक्शन 19 आईजीएसटी एक्ट का। दोस्तों, समस्या क्या है कि हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो ड्यूल टैक्स स्ट्रक्चर है, फेडरल सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट भी रेवेन्यू का हिस्सा लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेम रेवेन्यू का हिस्सा लेती है। अब सरकार जो है वो जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो आपस में शेयर करते हैं। अब इस शेयरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका निकाला गया कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाए कि सप्लाई कहां पर हुई। इस प्लेस ऑफ सप्लाई से हम ये डिटरमाइन करेंगे कि टाइप ऑफ, नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, कोई इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट सप्लाई है। इस नेचर ऑफ सप्लाई से हम ये डिटरमाइन करेंगे कि टाइप ऑफ टैक्स कौन सा लगना चाहिए। अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो इंटीग्रेटेड टैक्स लगना चाहिए, आईजीएसटी लगना चाहिए, और अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई है तो भाई सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आधे आधे लग जाने चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना जरूरी है टाइप ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए, नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए, और नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना जरूरी है टाइप ऑफ टैक्स डिटरमाइन करने के लिए। अब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने किसी ट्रांजेक्शन को इंट्रास्टेट सप्लाई ट्रीट कर लिया और सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया, बट सब्सिक्वेंटली मुझे पता लगा कि नहीं नहीं ये तो इंट्रा नहीं थी, ये इंटर थी, मतलब आईजीएसटी पेबल था, और वाइस वर्सा मैंने किसी ट्रांजेक्शन को इंट्रास्टेट सप्लाई ट्रीट कर लिया जबकि सब्सिक्वेंटली मुझे पता लगा नहीं नहीं ये तो इंट्रास्टेट सप्लाई थी, आईजीएसटी पे कर दिया, सी प्लस एस पे करना था, उस स्थिति में क्या किया जाए। दोस्तों, दोनों ही स्थितियों में जो टैक्स मैंने गलत पे कर दिया है वो तो पे कर दिया है, सही टैक्स मुझे दोबारा पे करना है। जो गलत टैक्स पे कर दिया है उसका रिफंड मिलेगा, जो गलत टैक्स पे कर दिया है उसका कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट से, इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरह आउटपुट से एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, वो रिफंड मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। रिफंड भी जो मिलेगा वो ऑटोमेटेड प्रोसेस से नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली सेक्शन 54 में अप्लाई करना होगा। अब स्थिति क्या है कि जो टैक्स रॉन्गफुली पे कर दिया, भाई मैंने टैक्स तो एक्चुअल पे किया जितना बनना चाहिए था, क्योंकि ये ड्यूल स्ट्रक्चर है, सरकार की समस्या है रेवेन्यू शेयरिंग की, उसका समाधान है कि भाई टाइप ऑफ टैक्स डिटरमाइन कर लो और आपस में शेयर कर लो, और आपने वो जो है गलत टैक्स पे कर दिया, तो उन्होंने आपको एक रिलीफ तो दे दी दोनों सेक्शंस में कि भाई अगर आपने गलत टैक्स पे कर दिया है तो सही टैक्स पे करो और गलत टैक्स को रिफंड मांग लो। हां, ब्याज देने की आपको किसी भी स्थिति में जरूरत नहीं है, मतलब आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटीज पर नहीं आएगी, लेकिन रिफंड मिलेगा, एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। जीएसटी ऑडिट करते समय भी आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि क्या टाइप ऑफ टैक्स प्रॉपर लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज बहुत ज्यादा होने वाली है फ्यूचर में, साल दो साल बाद जब असेसमेंट्स होंगी, रिव्यूज होंगे, तब भी सब ये सब तरह की चीजें सामने आएंगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो भविष्य में आप सेक्शन 77 और सेक्शन 19 सीजीएसटी आईजीएसटी रिस्पेक्टिवली का ध्यान रखें, टैक्स प्रॉपरली डिटरमाइन करें, गलत टैक्स पे हो गया है तो आप रिफंड मांगे और फ्रेश टैक्स पे करें। दोस्तों, ये रॉन्गफुल टैक्स पेमेंट का रेजोल्यूशन जो कानून ने दिया है वो आपके साथ डिस्कस किया मैंने। आप अगर चाहते हैं मैं किसी एक सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो सजेशन लिखें, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद ये यूट्यूब चैनल देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।